खिलाड़ियों को मैं इन खिलाड़ियों को कोई श्राप नहीं देना चाहता। इन खिलाड़ियों से मेरा कोई बैर भी नहीं है। ये खिलाड़ी हमारे बच्चे की नाल पे, इनके कामयाबी में आपके इस भाई का खून और पसीना लगा हुआ है, इनके कामयाबी में। और इसीलिए 10 दिन पहले तक ये लोग मुझे कुश्ती का भगवान कहते थे। 10 दिन पहले तक ये मुझे कुश्ती का भगवान कहते थे, क्योंकि इनके कामयाबी पे आपके भाई का खून पसीना लगा हुआ है। जिस समय हमने कुश्ती को संभाला, दुनिया में हम 20वें नंबर पर थे, 18वें नंबर पर थे, लेकिन मेरा शौक था, मैं खेल का प्रेमी था और मैं उसमें जुट गया। आज मैं बताना चाहता हूं, मैं जब जहां 15 नंबर पर हुआ करता था, 20 नंबर पर हुआ कहा करता था, आज दुनिया की बेस्ट 5 देशों में भारत का नाम है। आज तक सात ओलंपिक के मेडल केवल आए हैं, जिसमें से 5 ओलंपिक मेडल मेरे कार्यकाल के हैं, मेरे कार्यकाल। लेकिन चलिए, मैं कुश्ती में घुस गया था, ऐसा घुसा था कि सांस भी लेता था तो कुश्ती, सोता था तो कुश्ती, जगता था तो कुश्ती। लेकिन मुझको लगता है कि अब मुझे कोई और बड़ा काम करना है, मुझे नहीं करना है, भगवान मेरे द्वारा कोई बड़ा काम लेना चाहता है। और इसीलिए अयोध्या के संतों ने 5 तारीख को विचार विमर्श के लिए, चिंतन के लिए एक सभा का आयोजन किया है, संतों ने आह्वान किया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी ने कहा है कि नहीं पाप का भागी होता केवल जात, पाप करने वाला ही पाप का भागीदार नहीं होता। नहीं पाप का भागी होता केवल जात, केवल पाप करने वाला ही पाप का भागीदार नहीं होता। जो तटस्थ है, मौन है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। नहीं पाप का भागी होता केवल जात, सक्षम होते हुए अपने सामने हो रहे पाप को जो रोकने की कोशिश नहीं करता है, वो भी पाप का भागीदार होता है, और इसीलिए कहना चाहता हूं कि नहीं पाप का होता भागी होता केवल जात, और जो तटस्थ है, मौन है, समय लिखेगा उनका भी अपराध।